नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मुकेश में। आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन की पूर्ण प्रक्रिया आपको मैं आज बताऊंगा, तो कृपया लेक्चर को कंप्लीट देखें वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन, तो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है इंडिया में। और संविधान संशोधन विधेयक की सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्रस्तुत कहाँ हुआ? संसद के किसी भी सदन में। और परंतु पारित होना आवश्यक है दोनों सदनों से। दोनों सदनों मतलब लोकसभा व राज्यसभा, दोनों से पारित होना आवश्यक है। और संविधान संशोधन जो कि विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति पहली बार में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो राष्ट्रपति पहली बार में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य, और ये पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसके विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। सामान्यतः तीन प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। कितने प्रकार? तीन प्रकार। प्रथम साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है अति विशेष बहुमत। तीन प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और अति विशेष बहुमत से। तो आगे तीनों की चर्चा करते हैं किस प्रकार से। तो पहला है अनुच्छेद 368। मैंने बताया कि आपको अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो इसमें सिर्फ दो ही संविधान संशोधन का उल्लेख है, जो कि विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत, सिर्फ दो ही तरीकों का। पहला है विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत। मतलब अनुच्छेद 368 के अंदर साधारण बहुमत से किए गए संशोधनों की गणना नहीं है, भी संविधान संशोधन के रूप में नहीं की जाती। अनुच्छेद 368 में जो भी साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, वो उसके अंदर गणना इसकी नहीं की जाती। और सिर्फ दो का ही उल्लेख है, विशेष और अति विशेष बहुमत का। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं भी कौन सा किस प्रकार है। तो आज तक देखें, आज तक 126 संविधान संशोधन विधेयक पारित कर चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं। और पारित कितने हुए, संविधान संशोधन कितने हुए, वो हैं 104। मतलब 126 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए, उसमें से पारित हुए हैं 104। अब तीनों प्रकार की चर्चा करते हैं। तो पहला है साधारण बहुमत, पहला है साधारण बहुमत,
संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें ये है कि दोनों सदनों कौन कौन से, राज्यसभा व लोकसभा, दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित होता है वो साधारण बहुमत से पारित किया गया संविधान संशोधन कहलाता है। भी मतलब दोनों सदनों में उपस्थित है व्यक्ति और मतदान में जो भाग ले रहे हैं उनके बहुमत, जैसे कि 100 व्यक्ति भाग ले रहे हैं उनमें से 51 अगर वोट करते हैं तो वो बहुमत हो गया, साधारण बहुमत हो गया। तो उससे पारित किया गया विधेयक साधारण बहुमत से पारित किए गए संविधान संशोधन कहलाता है। और इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं साधारण बहुमत से, तो पहला है राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, दूसरा है नागरिकता संबंधी प्रावधान कर सकते हैं, तीसरा है वेतन भत्तों का निर्धारण कर सकते हैं, चौथा है संसद विधानमंडल में सीटों का निर्धारण कर सकते हैं, पांचवी सूची में उल्लेखित क्षेत्रों का, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों का वो प्रावधान है उसके संबंधी जो भी प्रावधान है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, वो चार क्षेत्र थे अनुसूचित क्षेत्र, उनमें जो भी क्षेत्र है उनसे संबंधी प्रावधान है उसको संशोधित कर सकते हैं। छठा है किसी भी राज्य का विधान परिषद का गठन या समापन, किसी भी राज्य की विधान परिषद जो कि ऐच्छिक अंग है उसका गठन या समापन, ये हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। अगला है विशेष बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, संसद। इसमें क्या है कि इसमें लिखा है कि संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित वे मतदान में भाग लेने वाले का 2/3 बहुमत, जैसे 60 व्यक्ति भाग ले रहे हैं तो 40 का बहुमत चाहिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित वे मतदान में भाग लेने वाले 2/3 का बहुमत। और इसी संविधान संशोधन यानी कि विशेष बहुमत से सर्वाधिक संविधान संशोधन हुए हैं जो भी इस विशेष बहुमत से सर्वाधिक जितने भी हुए उनमें से 126 में से 104 अभी तक संविधान संशोधित हुए हैं, उनमें से सर्वाधिक इसी बहुमत से किए गए हैं। अगला है अति विशेष बहुमत, 3 नंबर पे है,
संसद, इसमें है कि दोनों सदनों द्वारा राज्यसभा व लोकसभा कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित मतदान में भाग लेने वालों का दो तिहाई बहुमत। यहां तक तो इन दोनों की कंडीशन सेम है। इसमें एक और कंडीशन है कि कम से कम आधे राज्यों, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत, ये महत्वपूर्ण है अति विशेष बहुमत में। और इन अति विशेष बहुमत से किए जाने वाले संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं, तो वो मुख्य मुख्य कौन है? तो इस बहुमत से संविधान संशोधन करने वाले हैं, पहला है अनुच्छेद 54, जिसमें है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, दूसरा है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, तीसरा है अनुच्छेद 73, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, चौथा है अनुच्छेद 162, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की आगे इसमें अनुच्छेद 73 में, और इसकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और अनुच्छेद 124 से 147 में संघ की न्यायपालिका, इसमें संशोधित कर सकते हैं, और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक इसमें राज्य की न्यायपालिका। अगला है अनुच्छेद 241, इसमें संघ शासित क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यही चेंज कर सकते हैं। विशेष अति विशेष बहुमत से भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही चेंज कर सकते हैं। और अनुच्छेद 245 टू 255 सातवीं अनुसूची, मतलब मान सकते हैं कि संघ राज्यों की शक्ति विभाजन, ये आपको सभी याद रखनी होंगे, इनमें से क्वेश्चन बनता है। महत्वपूर्ण ये है कि सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए हैं हमारे विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत व अति विशेष बहुमत में इतना ही अंतर है कि विशेष बहुमत में तो संसद के दोनों सदनों से सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान किए गए व्यक्तियों में दो तिहाई बहुमत, और अति विशेष में सिर्फ ये जुड़ता है कि कम से कम आधे राज्यों से विधानमंडल की साधारण बहुमत,
और साधारण बहुमत में दोनों सदनों द्वारा उपस्थित होते हैं जो मतदान में भाग लेते हैं उनका बहुमत। तो साधारण बहुमत 368 अनुच्छेद के अंदर नहीं आता है, ओनली दो ही दिए गए हैं 368 में कि एक तो विशेष बहुमत व एक अति विशेष बहुमत। ये था संविधान संशोधन, इसके बारे में जितनी जानकारी थी मैं आपको बताई, और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप इसको याद कीजिए। इसके क्वेश्चन मैं आपको PDF में डाल दूंगा, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।